फेस्टिवल सीजन आ रहा है और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं एवरग्रीन रेसिपी है, सबकी फेवरेट पिनिया। और पिनिया आज मैं नहीं बनाने वाली हूँ आपके लिए, आज पिनिया बनाएंगी मेरी मम्मी, यानी कि जिन्होंने मुझे पिनिया बनाना और खाना बनाना सिखाया है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरी बेटी के चैनल पर। मैं बना रही हूँ पिनिया, तो जिसमें ये सामग्री डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट है, कुछ मखाना, बादाम, मगज और काजू, और इसके अलावा हम डाल रहे हैं आटा और घी, चीनी और थोड़ा जीरा। पिनिया हम बना रहे हैं जो कि सेहत का राज है, बहुत सेहतमंद होती है, बहुत पौष्टिक होती है, तो हम घी यूज कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर आपने कितना घी ले लिया है? मैंने इसमें 3 कड़छी घी लिया है और 3 कप आटा है। अच्छा, तो यानी कि ये है हमारा 1/2 कप घी, और 1/2 कप घी में हम मम्मी डाल रही हैं 3 कप आटा, जो हमारे मेजरमेंट वाले कप्स होते हैं वो कप में आटा लिया है मम्मी ने। अब हम इस आटे को सिम सेक पे भूनेंगे। 1/2 कप घी मैंने अभी डाला है, थोड़ा भुन जाने के बाद 1/2 कप घी हम इसमें और डालेंगे। तो मम्मी आपको किसने सिखाया था पिनिया बनाना? ये पिनिया बनानी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी। हमारे घर में ये पिन्नी सब बड़े शौक से खाते हैं, मेरे बच्चे भी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं, मैं अक्सर बना के भेजती रहती हूँ। तो आज मैं बेटी के घर आई हुई थी, ये मुझे कहने लगी मम्मी आज मेरे सामने ही बनाओ आप। ये पिनिया जल्दी से खराब ही नहीं होती, मेरे बच्चे जब हॉस्टल में थे तो मैं उनको बना के देती थी, 2-3 महीने तक ये चल जाती हैं। कि आटा अच्छी तरह भुना हुआ होता है, ड्राई फ्रूट भी फ्राई किया हुआ होता है, ड्राई फ्रूट फ्राई करने से ये पिनिया क्रिस्पी बनती है, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मम्मी ड्राई फ्रूट, आटा और घी, ये चीजें हम ले चुके हैं, इसके अलावा हमें क्या यूज करना है पिनियों में? इसके अलावा चीनी और थोड़ा सा मैंने ये जीरा लिया है, जिसको ये कच्चा ही डालते हैं। अच्छा, जीरा भूनना नहीं है, कच्चा जीरा? हाँ, कच्चा पीस के डालना है। अच्छा, मिक्सी में ना, जार में पीस के डालूंगी मैं ये जीरा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं डालना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जीरे का टेस्ट। तो आटा आप अभी मीडियम फ्लेम पर भून रहे हो? मैं मीडियम फ्लेम पे ही भूनती हूँ आटा, थोड़ा सिम भी कर लेती हूँ बीच बीच में। तो आटा यहाँ पर मम्मी भून रही है, और अभी मम्मी ने इसमें 1/2 कप घी डाला है, और जब ये आटा भून जाएगा तो मम्मी इसमें 1/2 कप घी और डाल देंगी, क्योंकि घी अच्छा सा डला होगा पिनियों में तो पिनिया और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। वैसे मैं इसमें घी खुला डालती हूँ, मेरा घी खुला डला होता है, तो खुले घी की पिनियों की कुछ शाइनिंग अलग आती है, शाइनिंग अलग आती है, यानी कि टेक्सचर अलग आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मम्मी आप ये आटा भूनते हुए इसको लगातार चला रहे हो? हाँ जी, लगातार इसलिए चला रही हूँ, ये अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो कहीं से कैसा और कहीं से कैसा, कच्चा और कहीं से जला हुआ हो जाएगा, इसलिए इसे लगातार चलाना पड़ता है। तो मम्मी ऐसे तो आपका हाथ थक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाथ थक जाएगा, काम करने की आदत है, मैं तो 50 साल से पिनिया बनाती आ रही हूँ। अच्छा, ला दो, थोड़ी देर मैं भून देती हूँ, थोड़ी देर मैं भून देती हूँ। नहीं नहीं, मैं भून रही हूँ मैं। मम्मी बहुत कैमरा शाई है, बिल्कुल नहीं मान रहे थे मम्मी, बल्कि ये बोल रहे थे कि मैं हेल्प कर दूंगी तू बनाना। मैंने कहा नहीं मम्मा, आज तो आप ही बनाओगे और मैं आपको आज कैमरा में लूंगी, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को अपनी मम्मी से मिलवाना था, जिन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया, जिनकी वजह से चीना इन द किचन है। इससे तो पिनिया बनानी खूब अच्छी तरह आती है, लेकिन आज इसने मुझे कैमरे के सामने लाना था। पर मम्मी आपकी जैसी तो नहीं आती, जैसे आप बनाते हो वैसे तो नहीं बनती। क्यों नहीं आती, इन्हें मुझे फेल कर दिया और अपने आप आगे हो गई खाना बनाने में भी, पिनियों में भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिनिया तो मम्मी जैसी कोई भी नहीं बना सकता है। तो मम्मी कितनी देर लगेगी अभी हमें आटा भूनने में? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट, तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर दें। फास्ट फॉरवर्ड कर दें। हाँ जी, हाँ जी। इधर आटा भुन रहा है, आटा भूनते भूनते दूसरी कढ़ाई रख के ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेती हूँ। हाँ जी, जल्दी हो जाएगा काम। हाँ जी, रख दो दूसरी कढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी।
इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे आटा को। और साथ ही में हम दूसरी तरफ दूसरे बर्नर पर पैन रख कर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए मम्मी ने यहाँ पर दूसरे बर्नर पर एक पैन रख लिया है। और अब मम्मी आप इसमें और घी डाल रहे हो? हाँ जी, दो कड़छी घी डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाएगा। आटे में मैं पूरा घी डाल चुकी हूँ। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा करके आटे में 250 ग्राम घी मम्मी डाल चुकी है। पहले सबसे पहले करेंगे बादाम फ्राई, मीडियम सेक पे फ्राई करके बादाम निकाल के काजू डाल दूंगी मैं। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पर, मम्मी कितने बादाम है ये? 1/4 कप। हाँ जी, 1/4 कप बादाम हमने यहाँ पर लिए हैं। बादाम को मैं ज्यादा अच्छी तरह क्रिस्पी कर रही हूँ। इधर से हम आटे को चलाते रहेंगे, नहीं तो आटा नीचे से लग जाएगा। हाँ जी, बादाम अब क्रिस्पी हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो बादाम अब अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं, मम्मी ने इनको डीप फ्राई किया है, मतलब दो कड़छी घी यहाँ पर मम्मी ने लिया था। जो बचा हुआ घी है अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। हाँ जी, तो पैन में बादाम फ्राई करने के बाद घी बच गया था, उसमें अब मम्मी ने काजू डाल दिए। 1/4 कप ही यहाँ पर काजू है। ये काजू भी क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब इसे मैंने भी निकाल लेती हूँ। और अब भी, अभी भी हमारे पैन में घी बचा हुआ है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मखाने। मखाने, तो मम्मी मखाने आपने यहाँ पर 1/2 कप लिए हैं? हाँ जी, 1/2 कप मखाने। और यहाँ पर हमारे मखानों का भी कलर आप देख सकते हैं चेंज होने लगा है। तो मखाने अब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब बीज भी मैं मगज इसी में ही डाल रही हूँ। अच्छा, तो मम्मी ने यहाँ पे 1/4 कप मगज यानी खरबूजे के बीज लिए हैं। इनको भी हम मखानों के साथ ही बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि ये तो मम्मी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी चटक जाते हैं, आवाज आने लगी है इनमें। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब इनको मैं चाकू से काट रही हूँ बारीक बारीक। अब ये मेरा ड्राई फ्रूट है जो फ्राई किया था, अब मैंने बारीक बारीक काट लेती हूँ चाकू से। मगज को काटने की जरूरत है नहीं, इन्हें बारीक बारीक काट के पिन्नी में डालेंगे। जीरा भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो मम्मी कितना जीरा है? नहीं, ये जीरा कच्चा है, ये 2 चम्मच। 2 चम्मच जीरा है ये, लगभग 1.5 टेबल स्पून जीरा है ये। और जीरे को मम्मी ने कच्चा ही मिक्सर ग्राइंडर में इसका दरदरा सा कोर्स रखा है, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है फाइन। और यहाँ पे मम्मी काजू बादाम और मखानों को छोटा छोटा काट रही हैं। तो अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं थोड़ा दरदरा करके, लेकिन इस तरह से काट कर पिन्नी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। ये आटा हमारा भून के तैयार हो चुका है, गोल्डन ब्राउन आप देख ही रहे हो। अब ड्राई फ्रूट भी मैंने काट दिया था बारीक बारीक, ये मैं अब इसमें सब डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दी है मगज, ये कटे हुए काजू, सॉरी बादाम, और कटे हुए काजू, मखाने, मखानों को भी मम्मी ने छोटा छोटा काट लिया है। ये जीरा जो मैंने कच्चा ही जार में पीस लिया है, थोड़ा सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। चीनी इसके ठंडा होने पर डालूंगी, अगर ये अभी चीनी डाल दी तो ये चीनी घुल जाएगी और लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने आटे के साथ, भुने हुए आटे के साथ मिक्स कर दिए हैं। और मम्मी बोल रही हैं कि चीनी हम, जब ये आटा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हम मिक्स करेंगे पिसी हुई चीनी या फिर चीनी का बूरा।
अभी अगर हम चीनी डाल देंगे तो चीनी आटे में, गरम आटे में घुल जाएगी और फिर लड्डू की शेप नहीं ले पाएंगी हमारी पिनिया। तो ये हमने मिक्स कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी मम्मी ने काफी अच्छी ली है, बहुत अच्छे से अलग घी भी खुला डाला हुआ है मैंने। हाँ जी, घी भी आपने बहुत खुला डाला है और ड्राई फ्रूट्स भी हमें आपने खुले डाले हैं। हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स भी खुले डाले हैं। तो पिन्नी खाए, कुछ टेस्ट तो आए ना पिन्नी में, टेस्ट भी आए और हेल्दी भी हो। हाँ जी, ठंडा करने रख देते हैं अभी से थोड़ी देर में। आटा अब ये ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने घर में पीस ली है, अगर आपने चीनी नहीं डालनी हो तो आप बोरा भी डाल सकते हैं। हाँ जी, मैंने चीनी एक कप डाली है, आप अपनी स्वाद अनुसार डालना चीनी। वैसे मम्मी, तीन कप आटे की पिन्नी में एक कप चीनी बहुत रहेगी। मैं तो इतना ही डालती हूँ मीठा, अगर आपको, आप ज्यादा मीठा खाती हैं तो थोड़ा और डाल सकती हैं। हाँ जी, तो अगर आपको आटा मिक्स करते हुए लगे कि बहुत ड्राई लग रहा है तो आप ऊपर से भी इसमें घी ऐड कर सकते हैं, लगभग 2-3 चम्मच इतना घी और डालकर चेक कर लीजिए कि लड्डू बनने लायक हो गया है या नहीं। और अगर आपको आटा बहुत ज़्यादा लूज लग रहा हो, यानी घी ज़्यादा लग रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और भून के डाल दें, या फिर आप गोले का बुरादा इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी मैंने इसमें मिक्स कर दी है, अब इसे लड्डू की शेप दे देते हैं। तो मम्मी, हमारा ये एक लड्डू तैयार हो गया है बनके, एक पिन्नी तैयार हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, दिखाना पास से। ये देखो कैसी बनी, बहुत अच्छी बनी है। खा लूं? नहीं बेटे, मीठी चीज है, पहले भगवान जी को भोग लगवाएंगे, बाद में टेस्ट करना। बहुत टेस्टी लग रही है देखने में ही। तो मम्मी, इसको रख लेते हैं हम ट्रे में, और आप और बना रहे हो अभी। हाँ जी, तो अगर आप कभी कभी मम्मी, जब हम छोटे होते थे तो आप ऐसे पंजीरी भी बना लेते थे ना तो काम बहुत होता था, फटाफट पंजीरी बना के रख देती थी। तो आप इसको लड्डू की शेप नहीं देते थे ना? नहीं, दे भी देती थी, ऐसा भी कुछ नहीं है, अधिकतर पंजीरी बना देती थी। हाँ जी, तो पंजीरी भी बहुत टेस्टी लगती थी, लेकिन लेकिन पिनिया खाने का मजा ही अलग होता है। हाँ जी, पिनिया हमारी बनकर तैयार हो गई, आप भी इस रेसिपी दोबारा से बोल दो। पिनिया हमारी बनकर तैयार हो गई, आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करना, अच्छी लगे तो कमेंट पे जरूर देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय कर दो। बाय बाय।